सोमवार को मोमिनपुरा परिसर के राय आशियाना बिल्डिंग में मुस्लिम समाज भाइयों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारी खान शामिल हुए थे, जिन्होंने उपस्थित मुस्लिम समाज भाइयों के साथ संवाद किया। मुस्लिम समाज भाइयों के विकास को लेकर कई सवाल है जिन्हें सही नेतृत्व न मिलने से न्याय नहीं मिल पाया है। इन सवालों पर जवाब देने और समाज के लोगों को एक राह दिखाने और एक नेतृत्व तैयार करने के लिए प्यारी खान ने समाज के लोगों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने उनकी राजनीतिक स्थिति और मुस्लिम समाज के विकास पर प्यारी खान से कई सवाल पूछे। प्यारी खान ने इन सवालों का जवाब देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में वह समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में विकास की राह आसान करेंगे। इस वक्त उपस्थित अन्य बाशिंदों ने अपने विचार मन से साझा किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रहते हुए मुस्लिमों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, मुस्लिम समाज को शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमें विकास चाहिए और विकास वही ला सकता है जो विकास पुरुष है, और विकास पुरुष बोले तो हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब है, और हमें ऐसा लगता है कि वो सब काम करते हैं तो हमारी सोसाइटी का भी विकास हो सकता है उनके माध्यम से। इसलिए हम चाहते हैं कि बस आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब को चुन के लाए और हमारी सोसाइटी का विकास हो। मेरा नाम नकी अहमद है और इत्तेफाक़ ये है कि हमारे नसीम साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यह मौका दे रहे हैं यहाँ बोलने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है जैसा कि अभी इन्होंने फरमाया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कि हम लोगों की मतलब कोई भी जो यहाँ पे बातें हैं उसको सुनने वाला नहीं है, और एक रास्ता बन रहा है, इस रास्ते के तहत हम लोग चलने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं उसको हल करने का एक मौका होगा। मैं इन्हीं बातों को ख़त्म करता हूँ। इन बातों का आज हम राय आशियाना वासियों ने एक ईद मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे यहाँ पे एक 400 फ्लैट की स्कीम है हमारी, और हम सब ने ऐसा सोचा है कि हम प्यारे खान के समर्थन में नितिन जी को सपोर्ट करेंगे, नितिन जी को वोट करेंगे, क्योंकि हमने जो आज तक देखा है कि नितिन जी एक जिनका कोई विवाद नहीं है समाज के प्रति, एक अच्छी भावना है उनकी और एक अच्छे व्यक्ति है, और हमारा जो विकास है वो हमको आशा है कि वो स्पीड से करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्लिम समाज को समझेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा। और प्यारे खान जी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। प्यारे खान जी ने एक समाज को जगह देने की कोशिश की है, समाज को एक दिशा दी है, और हम लोगों को एक बार्गेनिंग पावर दिया है, हम लोगों को ये समझाया है कि अपनी बात रखिए और मेरे माध्यम से आप अपनी बात रखिए, तो मैं गडकरी साहब से आपकी जो भी बाकी की समस्याएं हल करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि अब हमारी स्कीम को 11 साल हो गए, 11 साल के पीरियड में 4 चुनाव आ गए, 2 विधानसभा के और 2 लोकसभा के, तो इसके अंदर ऐसा हुआ है कि आज तक कोई भी कांग्रेसी हमारे यहाँ पे आया नहीं कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किस परिस्थिति से गुजर रहे, इसकी किसी ने हमारा ये नहीं किया। और जब हमने प्यारे खान जी से इसके बारे में बात किया तो उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को समझा और हमारी सारी समस्याएं सुलझाने के बारे में, और वैसे भी वो मुस्लिम समाज के एक मुस्तकबिल बन के निकल रहे हैं और उन्होंने समाज को संभाला है, समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चे लगे हुए हैं, और एक हमारे समाज में एक नया नुमाइंदा आ रहा है जो हमारी समाज की बातों को समझे, और इसीलिए हम प्यारे खान जी को जुड़ के उनके माध्यम से वो जो काम अपनी सत्ता के साथ में करवा रहे हैं, नितिन जी के हाथ से करवा रहे, तो हम सब उसमें अपनी भी भागीदारी रखना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के इस आयोजित कार्यक्रम में कई मुस्लिम युवा और जानकार लोगों ने हिस्सा लिया और सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का निराकरण कर लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।